सब्सक्राइब करें थैंक्स इशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और खुदावन जो आपने हमें आशीष दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित हर प्रकार के कामों में आपने हमारी सहायता, आपने हमारी मदद की है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिरपियों परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक एक घटी और कमी को पूरा करेगा। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुखों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर एक प्रकार की मुसीबतों को खुदावंद आपके जीवन से निकालेगा। जैसे आप गवाहियों को देखते हैं, खुदावंद आपके जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देगा। इसलिए आप भी अपनी गवाहियों को जरूर भेजिएगा ताकि हम उसको देख करके और लोगों को दिखा सकें और लोगों के लिए प्रार्थना करें, विनती करें। और ज्यादा से ज्यादा आप भी अपनी गवाही को भेजें। जो आपको नंबर दिया गया है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें अपनी गवाही को जरूर भेजें। प्रार्थना करने के बाद जो भी आपकी गवाही है वीडियो बनाइएगा, नाम लेकर के अपना बताइएगा कहां से बोलते हैं, और उसके बाद अपनी जो गवाही है उसे बताइएगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो, आपको बहुत सारी आशीष मिले। चाहे पुरानी गवाही हो, बड़ी गवाही हो, या छोटी गवाही हो, या नई, कोई भी मतलब किसी प्रकार की गवाही है आपको बताना ही है। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप नंबर सेव करके आपको सेंड करना है, आपको भेजना है ताकि हम और लाखों लोगों को दिखा सकें और खुदावंत उनके जीवन भी बहुत सारी आशीष दे सके। तो आइए प्रार्थना करने के पहले हम वचन को देखते हैं ताकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या है। आज हमारे लिए ऐसा वचन है कि आप देखेंगे आज जो बहुत सारी चिंताओं में पड़े हैं, आज बहुत सारे डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत सारी समस्याओं से आज आप ग्रसित हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जब यीशु मसीह ने अपना परमेश्वर का राज्य को, मतलब सुसमाचार को प्रचार करना प्रारंभ किया, तो परमेश्वर ने कहा था, कुछ बातों को आज हमें ध्यान में रखना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था रोगियों को चंगा करना, बीमारियों से दूर करना, आज परमेश्वर का वचन कहता है 4:23 में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन आराधनालयों में उपदेश करता रहा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का जब कार्य प्रारंभ हुआ तो वहां पर देखता सुसमाचार का प्रचार राज्य राज्य में करता रहा, उपदेश देता रहा और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो आज आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बलताएं आपके जीवन से दूर होंगे। यदि आज आप विश्वास करते हैं और आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। यश का मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है जिसे आज आप लोग देखते हैं ना, जिसका बहुत नाम हो जाता है, कोई बहुत बड़ा मंत्री, कोई बहुत बड़ा विधायक, या कोई बहुत बड़ा पोस्ट पे आ जाता है या नौकरी पा जाता है, तो लोग उसे क्या होता है जानने लगते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? इसका यश फैल गया या फिर प्रभु यीशु मसीह के नामों की चर्चा होने लगी है पूरे सीरिया में। इसलिए इस बात को याद रखना क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब सब लोग बीमारों को, नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों से जकड़े हुए थे और जिन दुष्ट आत्माएं थी जिनके अंदर, और या मिर्गी वाले या लकवे के रोगियों को उसके पास लेकर के आने लगे और उन्हें वो चंगा किया। गलील और अनेक प्रकार की यरूशलेम, यहूदी और यर्दन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का किस तरीके काम करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, पहले एक दो लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा सिखाया, बताया, उन्हें चंगाई दी और वो सारे लोग जाकर के एक दूसरे से बताने लगे और परमेश्वर का यहाँ पे राज्य का सुसमाचार प्रारंभ होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर ये बात आपके अंदर होगी आज तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। क्या कहा था? 5 में लिखा है, मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 और वचन नंबर 3 से लिखा है, धन्य वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर ने क्या कहा?
धन्य वे जो मन के दीन है। आपको मन में नम्रता और दीनता रखना है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। और चार में लिखा है, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। आज आपके जीवन में दुख है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की जीवन में टेंशन है, बहुत सारी डिप्रेशन की बातें हैं, बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, आपको शांति मिलेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने इस वचन को खुद कहा है, धन्य वे जो शोक करते हैं, जो रोते हैं, विलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, वो क्या करेंगे, क्योंकि वो अपने जीवन में शांति पाएंगे। और पांच में लिखा है, धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि आपके जीवन में नम्रता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इस सृष्टि के अधिकारी होंगे। आपको बहुत बड़े बड़े ऊंचाइयों तक परमेश्वर आपको लेकर के जाने वाला है। देखिए, जो व्यक्ति प्यार से कोई काम करा लेता है वो लड़ाई और झगड़े से नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, कि आपको क्या करना है, बहुत सतर्क और सावधान रहना है, आपको नम्र रहना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, या कोई व्यक्ति आप देखते होंगे जो प्यार से अच्छे से काम करा सकता है, वो नफरत से या उसे मारकर डांट करके आप नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए आपको नम्रता और दीनता आपके अंदर होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। जैसे आज आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आपको शांति देगा, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा, आपको परमेश्वर तृप्त करेगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के भूखे, उसके नाम से प्रार्थना और विनती करते हैं और खुदावंत की महिमा करते हैं। इसीलिए आज आप धार्मिकता के भूखे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए कहता है, धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि आज आप किसी को देख करके आप उसे मुकर जाते हैं या उसे ठुकरा देते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उससे प्रेम करना है, प्यार करना है, आपको दया दिखाना है, ताकि आपके जीवन में भी दया आपको कोई प्रेम कर सके, प्यार कर सके। इसीलिए आप अपने जीवन में जब भी किसी को देखें ऐसा दुर्बल व्यक्ति या परेशान व्यक्ति को, आप उसकी सहायता, आप उसकी मदद जरूर करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे सके, आपको बरकत दे सके। यदि आज आप किसी के जीवन में आप सहायता मदद करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा और हमेशा वो खड़ा रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इन बातों को याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन बातों को अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं। यदि किसी के जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो आपको अपना दुख भूल करके उसके जीवन में उसको देखना चाहिए, उसकी मदद, उसकी सहायता करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि दयावंत हो तो क्योंकि आप पर भी दया की जाएगी। और यह भी कहा है, जिनके मन में शुद्धता है, मतलब झूठ नहीं है, ज्यादा छल नहीं है, कपट नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। आप उसके प्यार और उसकी महिमा, उसकी सामर्थ्य और उसकी ताकत देखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आपका मन शुद्ध है तब खुदावंद आपको ऐसा देगा कि आपके ऊपर चाहे कितने भी झूठे आरोप लगे कुछ नहीं होगा। जब तक आपके मन में, यदि आप शुद्ध हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको डर और भयभीत लाने की आवश्यकता आपके अंदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन ये भी कहता है, जो मेल मिलाप करते हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज बहुत सारी लड़ाइयां, झगड़े होते हैं, लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे से बैर रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेल मिलाप रखते हो, प्रेम करते हो एक दूसरे से, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत मिलेगी। यदि आपको प्रेम करना आता है, प्रेम से रहना आता है, बातें करना आता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर ने यह भी कहा, यीशु मसीह ने कहा, यदि आप सुबह में यदि गुस्सा होते हैं तो सूर्य अस्त होने से पहले आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए, आप एक दूसरे से प्रेम करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज आपके जीवन में गुस्सा, नफरत होती है, तो शाम तक आपका गुस्सा ठंडा आपका हो जाना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है, सूर्य अस्त होने से पहले, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत कुछ कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, धन्य वो जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें और सब आपकी निंदा करें, आपको मारे, आपको पीटे, बहुत सारी बातें। यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें आशीष और बरकत मिलेगी। यदि आज तुम्हें कोई सता रहा है तो आने वाले समय में
आपसे वो व्यक्ति नजर नहीं मिला पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आप कितना मजबूत कर देगा, आप कितना मजबूत के द्वारा खड़ा करेगा, आप कितनी आशीष और बरकत देगा कि आपके सामने वो खड़ा होने लायक ही नहीं रहेगा वो व्यक्ति। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही है, यदि जिसने ग्रहण किया इसके अंदर नम्रता, दीनता और प्रेम और भाव है, शुद्धता है, हर एक बात है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके जीवन में मैं आशीष दूंगा। इसलिए इन बातों को आपको याद रखना है। तो आइए वचन से ओर से अब चलते हैं प्रार्थना की ओर, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और खुदावंत का ज्यादा से ज्यादा। आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सत्कलम, 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में पैर, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली है पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सत्कलम, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते, तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया, कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती, तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी, वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं, आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से। आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए,
आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से समस्या के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, फायर आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए, खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर, आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, के नाम से निकल के नाम से, आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए के नाम से, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली के नाम से निकल के नाम से, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक चीजों को बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख, क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये किसी भी देश विदेश किसी भी गांव शहर में कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, विलकते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर के नाम से जिसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से और निकल गई है, संदेह नहीं करना यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।